प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों नमस्कार, ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं ये हमसे बनवाया है प्रशांत जायसवाल जी ने, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। उन्होंने इसमें दो फ्लोर बनाए हैं, दो भाइयों के लिए ये कंप्लीट डिजाइन रहेगा। उनका एरिया काफी लंबा चौड़ा है और जो डिजाइन बना है वो 40x45 फीट के अंदर बना है। जो फ्रंट का कार पोर्च है जो हमने बनाया है पार्किंग के लिए पोर्च है, तो वो एक्स्ट्रा स्पेस में रहेगा थोड़ा सा। और यहाँ से मैं इसका टॉप व्यू आपको दिखा देता हूँ, फिर अंदर चल के आपको इसका वीडियो दिखाऊंगा पूरा का पूरा। हर जो रूम है कहाँ पे क्या क्या इसके अंदर मैनेज किया गया है रूम में, और जो सारी चीज़ें वो आप वीडियो में देख पाएंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं, फ्रंट से इस टाइप का रहेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, फ्रंट वाल है, दो इसके जो हमने गेट बनाए हैं, मेन जो गेट रहेगा एंट्री के लिए ये रहेगा यहाँ से। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइड में, अगर आप देखेंगे साइड में जो फ्रंट है इस डिजाइन का, वहाँ पे एक पार्क बनाया गया है, गार्डन है, काफी अच्छा यहाँ पे लुक देगा जो अगर आप इस टाइप का डिजाइन बनाते हैं। कलर कोड की अगर बात करें तो इसका कलर कोड काफी आप बना सकते हैं, अपने हिसाब से कलर कोड लगा सकते हैं इसमें। और यहाँ से देख लें, ये आपका पोर्च होगा। साइज की बात करूँ तो 12x20 के अंदर इसका साइज बनाया गया है। देखिए पिलर भी है, वॉल भी है, और इस डिजाइन की बात यह है कि आप इसको कॉलम बेस बनाए या फिर ब्रिक्स बेस बनाए, जैसा भी बनाना चाहे वो बना सकते हैं। तो ये फ्रंट का व्यू एक बार देख लें आप इसको, काफी मॉडर्न स्टाइल का जो डिजाइन है। और एक बात और है, ये जो डिजाइन है हमारा चारों तरफ से खुला है। नॉर्थ फेस का डिजाइन, मेन जो इसका डिजाइन है फ्रंट है वो नॉर्थ फेस में रहेगा, और बाकी की जो साइड है वो भी ओपन है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर चल के, यहाँ से चलते हैं पोर्च से अंदर। तो ये हमारा पोर्च होगा, यहाँ पे आपकी बड़ी से बड़ी गाड़ी भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, उसके बाद भी काफी स्पेस बच जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा पैसेज होगा अंदर जाने के लिए, 10x12 फिट का है। साइज थोड़ा ज्यादा है लेकिन आप चाहे तो यहाँ पे मॉडिफाई इसको कर सकते हैं। गेट यहाँ पे हमने 7 फिट का लगाया है, पीछे जो दरवाजा देख रहे हैं मेन डोर। और ये जो अभी अंदर चलते हैं इस रूम में, ये हमारा लिविंग रूम रहेगा, 12x14 फिट साइज का लिविंग रूम का रहेगा। खिड़कियाँ देख सकते हैं, दोनों साइड खिड़कियाँ फ्रंट में भी है, और जो इस साइड है वहाँ पे भी हमारी खिड़की रहेगी। और जो गेट की तरफ जो हमारा मेन दरवाजा है उसकी तरफ आप वॉल पे टीवी वगैरह लगा सकते हैं। अंदर भी हाल के जो हमारा हाल है वहाँ भी एक दरवाजा होगा, उसके वहाँ से भी आप अंदर बाहर जा सकते हैं। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो फ्रंट में है, जो हमारा गेस्ट रूम है वहाँ पे ले चलता हूँ, फिर हाल के अंदर से आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो यहाँ से चलते हैं, और ये जो अभी दरवाजा देख रहे हैं ये हमारा हाल का जो एक छोटा दरवाजा है, ये हमारा गेस्ट रूम का दरवाजा है। गेस्ट रूम का साइज भी बिल्कुल सेम है, 12x14 फिट, लेकिन इसके अंदर खास बात है इसके साथ अंदर जो है एक टॉयलेट अटैच किया गया है, आप चाहें तो इसको रख सकते हैं। यहाँ से देख ले, कॉर्नर विंडो लगाई है, बिल्कुल जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे भी हमने कॉर्नर विंडो दी है। इससे क्या होता है आपकी जो मकान है उसकी एक लुक अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कलर कोड की मैं बात कर रहा था, जो कलर कोड है वो आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं घर को बनने के बाद। यहाँ से टॉयलेट होगा हमारा 4x5 फिट का, 4 फिट 4 इंच और गुणा 5 फिट का ये रहेगा टॉयलेट, ताकि आपके गेस्ट को टॉयलेट यूज के लिए दूसरी जगह नहीं जाना पड़े, जो कि आप हमने पीछे बनाए हैं। तो अब चलते हैं हम हॉल के अंदर, और ये जो दरवाजा अभी देख रहे हैं ये हमारा मेन डोर रहेगा अंदर जाने के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं, ये है हमारा हॉल जिसके अंदर डाइनिंग टेबल लगी है, पीछे आपका मंदिर है यहाँ पे, 2 फिट 8 इंच गुना 4.5 फिट का यहाँ पे साइज का रहेगा, मंदिर बना सकते हैं यहाँ से किचन के पास, स्टोर के पास। और ये किचन है हमारी, 9x10 फिट का जो साइज है किचन का, साथ में स्टोर रूम है 6x9 फिट का। और यहाँ से जो एक दरवाजा देख रहे हो हमारा लिविंग रूम था उसकी तरफ जा रहा है, तो चलिए किचन में दिखा देता हूँ आपको। तो देख लें किचन ये है हमारा, मॉड्यूलर किचन है, वेंटिलेशन के लिए ऊपर शाफ्ट दी गई, जो यहाँ पे एक वेंट होल दिया गया है।
साइड में 6x9 का ये स्टोर रूम रहेगा, आप खुला छोड़ना चाहें खुला रख सकते हैं, दरवाजा लगाना चाहें दरवाजा लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद सामने यहाँ पे बात कर लेते हैं, सामने जो वॉश बेसिन है हमारा, ये देख लीजिए जो मिरर दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये हमारा बाथरूम है, और बाथरूम फ्रंट में बाथरूम है, एक ग्लास पैनल लगा के वहाँ पे पीछे टॉयलेट भी बनाया गया है। यहाँ पे देख ले वेस्टर्न कबर्ड रखा है पीछे, आप देख ले। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम बना सकते हैं, कॉमन यूज के लिए आप इसी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं फिर से आपको हॉल के अंदर ले चलता हूँ, और हॉल के अंदर से जो पीछे के हमारे बेडरूम है वो दिखाता हूँ आपको। पीछे दो बड़े बेडरूम है, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, बाद में आते हैं सीढ़ियों पर। तो पहले पीछे के जो बेडरूम है वो दिखा देता हूँ मैं। दोनों का साइज सेम है, 14x14 के, काफी बड़े हैं। एक हमारा ओनली बेडरूम है, एक बेडरूम के साथ हमारा टॉयलेट बाथरूम अटैच है, 5x8 फीट का। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, पहले एक बेडरूम देख ले, 14x14 का बेडरूम रहेगा, दोनों साइड खिड़कियां रहेंगी, आप चाहें तो दरवाजा भी लगा सकते हैं साइड में। ये वार्डरोब रहेगी आपकी, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथ ही साथ। यहाँ पे अटैच टॉयलेट बाथरूम है, 5x8 फीट का हमारा, आप चाहें तो इसको 4x8 का भी कर सकते हैं, 5x8 का भी कर सकते हैं, अपनी जो स्पेस है आप उसके हिसाब से कर सकते हैं इसको छोटा बड़ा। उसके बाद जो हमारा दूसरा बेडरूम है मैं आपको वहां ले चलता हूँ। बिल्कुल सेम साइज है दोनों में, ज्यादा डिफरेंस नहीं, कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा है कि जो वार्डरोब का साइज हमने वहां पे बिल्कुल वॉल के अंदर दिया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से ये हमारा बेडरूम रहेगा, फ्रंट में कैबिनेट दिया गया है, यहाँ पे आप अलमीरा वगैरह जो है, और जो एक अलमारी है हमारी वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। पीछे देखिए स्पेस है, बिल्कुल फिक्स आएगा दीवार के अंदर, अलमारी को छोड़ के 14x14 का आपका पूरा स्पेस रहेगा। ये जो अलमारी अभी देख रहे हैं ये दीवार के अंदर फिक्स हो जाएगी आपकी। और जो फ्रंट है, फ्रंट में भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप टीवी, ये इस टाइप का आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद ये हमारी सीढ़ियाँ होगी, सीढ़ियों के नीचे से रास्ता होगा बाहर से, वेस्ट साइड से। यहाँ पे हमने एक डोर लगा दिया 3.5 फीट का, वहां से भी आप डायरेक्टली अंदर आ सकते हैं, अगर आप सीढ़ियों को यूज करना चाहते हो वहां से आप जाके सीधे ऊपर जा सकते हैं। और अब मैं आपको ले चलता हूँ जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट फ्लोर पे देखिए डिजाइन की अगर बात करें तो बिल्कुल नीचे के जैसा ही है, थोड़ा सा आगे का जो फ्रंट का पोर्शन है उसमें हमने कुछ चेंजेस की है वो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। तो पहले पीछे का आपको पोर्शन दिखा देता हूँ, ऊपर जो 3 बेडरूम है हमारे। तो चलिए पहला ये बैक साइड का बेडरूम हमारा 14x14 का जो कि नीचे था, लेकिन यहाँ पे ये बेडरूम सेपरेट है और इसके साथ कोई टॉयलेट बाथरूम अटैच नहीं। अगर आप टॉयलेट बाथरूम अटैच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है इसके ऊपर, इसके साथ भी जो नीचे था बिल्कुल उसी के ऊपर है, वही साइज है, तो यहाँ पे भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे साइड में बालकनी दी गई है, ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं दरवाजे के बाहर बालकनी है, बाहर निकल सकते हैं यहाँ से आप। उसके बाद देख लें इसको आप पूरा, और यहाँ से मैं आपको पहले जो पीछे का पोर्शन है वो दिखाता हूँ। पीछे हमने ओपन टेरेस रखा है, बड़ा दरवाजा लगा दिया 8 फीट का, और पीछे बिल्कुल ओपन टेरेस है, यहाँ पे आप गार्डनिंग करना चाहें कर सकते हैं। तो देख लें ये जो कि गार्डनिंग है वो हमने बाहर की जो फ्रंट बालकनी वहाँ पे की है, तो आप चाहें तो पीछे के टेरेस पे भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए किचन जो स्टोर है वो बिल्कुल सेम रहेंगे, इनमें हमने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया, बिल्कुल सेम है नीचे की तरह, स्पेस भी वही है, साइज वही है, और जो स्टाइल वही है। थोड़ा सा डिफरेंस में दिया है कि जो स्टोर रूम का दरवाजा नीचे मंदिर था उसकी तरफ हमने यहाँ से निकाल दिया है, तो फ्रंट से ही रहेगा, यहाँ हॉल के अंदर से ही रहेगा स्टोर रूम का दरवाजा भी, और जो नीचे के किचन का जो स्टोर रूम था उसके अंदर किचन से हमने दरवाजा दिया था। तो यहाँ पे देख लें अभी ये हमारा गेस्ट जो बेडरूम है 12x14 का, जो कि नीचे हमारा लिविंग रूम था उसके ऊपर, साइज वही है, स्टाइल थोड़ा चेंज है, उसके अंदर बेड है, नीचे जो था लिविंग था हमारा। तो ये देख लें यहाँ पे, और इसकी एक खास बात है फ्रंट में इसकी बालकनी है, तो ये बेडरूम रहेगा हमारा, इसके साथ टॉयलेट बाथरूम अटैच नहीं है, बिल्कुल
सेपरेट रूम है ये भी। अगर आप टॉयलेट बाथरूम अटैच करना चाहते यूज करना चाहते तो आपको हॉल के अंदर जाना पड़ेगा, जो कि हॉल के अंदर से हमारा एक टॉयलेट बाथरूम है, जो एक रूम और हमारा कॉर्नर पे है फ्रंट में, उसके साथ हमने टॉयलेट टॉयलेट बाथरूम अटैच किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले बालकनी भी चलते हैं फ्रंट में। तो ये रहेगी बालकनी आपकी, जो कि नीचे हमारा पोस्ट था उसके ऊपर गार्डनिंग कर सकते हैं, काफी अच्छा रहेगा। तो ये देख ले इसको। और यहाँ पे जो बड़ा गेट था हमारा मेन एंट्री डोर, वो हमने फ्रंट पे कर दिया, जो कि नीचे थोड़ा सा पीछे था हमारा, 10 फीट स्पेस छोड़ के 12 फीट स्पेस छोड़ के था, तो यहाँ पे फ्रंट में कर दिया। हाल आपका इसके कारण काफी बड़ा हो जाता है। उसके बाद ये हमारा एक बेडरूम और है 12x14 फीट का फ्रंट में ही, तो ये भी आपको दिखा देता हूँ। इस बेडरूम के साथ आपका टॉयलेट बाथरूम अटैच है 5x9 फीट के अंदर। ये एक बात और बता दूं मैं आपको कि नीचे सिर्फ टॉयलेट था इस रूम के साथ, यहाँ पे टॉयलेट और बाथरूम है कंबाइन है। तो यहाँ पे कॉर्नर विंडो लगाई है, जो कि नीचे भी सेम ही थी। चलिए अंदर लेके दिखा देता हूँ आपको मैं। तो ये हमारा रहेगा टॉयलेट बाथरूम। उसके बाद आपको वापस हाल के अंदर ले चलते हैं। ये देखिए यहाँ से पूरा का पूरा हमारा हाल बन जाता है, इसको यूज कर सकते हैं काफी, आप किसी भी पर्पज के लिए काफी बड़ा साइज आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे वॉश बेसिन रहेगा और यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम रहेगा, आपका कॉमन टॉयलेट बाथरूम रहेगा यहाँ से। तो हॉल के अंदर अब मैं आपको ऊपर जो हमारा टेरेस है बिल्कुल टॉप फ्लोर पे, वहां पे ले चलता हूँ। ये हमारा सेकंड फ्लोर का जो डोर है वो आ चुका है ऊपर टेरेस पे, इसको खोल के हम टेरेस पे जा सकते हैं और यहाँ से देख लें पूरा टेरेस ओपन है आपका। ये पीछे से दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको मैं, और अभी आप खोल लेते हैं फ्रंट में। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आया तो वीडियो को चलिए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।